नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर ट्रैक्टर के जो सीरीज़ हमारा है उसमें जो आज का जो वीडियो आपको लेकर के आए, एक 45 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है और काफ़ी पावरफुल और बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर का रिव्यू आज हम करने वाले हैं, फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। और दोस्तों प्राइमा सीरीज़ का ट्रैक्टर है, सारे के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके आगे से हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे से अगर आप देखोगे तो पूरा जो डिज़ाइन और लुक है दोस्तों एकदम चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आईसर कंपनी जो है नई जनरेशन के लिए काफ़ी सारे बदलाव कर रही है अपने ट्रैक्टर्स में, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक ग्राफिक्स चेंजेस हों या फिर बहुत सारे जो सिटिंग कंफर्ट है सारी चीज़ों पे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले इसके आगे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईसर का लोगो आपको दे रखा है, क्रोम में आपको तीन पट्टियाँ दे रखी है जो काफ़ी अच्छी लगती हैं यहाँ पे देखने के लिए। हेलोजन हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है जो वॉक मी होम यानी कि फॉलो मी होम जैसे फीचर के साथ आपको देखने को मिल जाती है। मतलब चाबी में ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप चाबी को मतलब कि उसको लाइट ही अगर आप जला के रखना चाहते हैं और आप अपने घर पे जा रहे हैं तो काफ़ी देर तक ये लाइटें चलती रहेंगी और चाबी से ही आप इन लाइटों को बंद कर सकते हो। तो ये अच्छा फीचर है यहाँ पे। प्राइमा G3 की ब्रांडिंग और काफ़ी बड़ी ग्रिल आपको दे रखी है जिससे कि जो हवा होती है वो ट्रैक्टर में जा सके और ट्रैक्टर बिना गर्म हुए लंबे समय तक काम कर सके। नीचे का जो एक्सल दे रखा है वो फिक्स आपको दे रखा है, ये कंपनी फिटेड आपको बम्पर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वाइट और येलो कलर के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं आईसर, और काफ़ी बड़ी ग्रिल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 480 का यहाँ पे दे रखा है स्टिकर। तो आज हम 480 फाइव स्टार के बारे में पूरा आपको रिव्यू हम कर रहे हैं आज। तो बात करें दोस्तों इसके इंजन के बारे में तो इसमें आपको 45 एचपी का इंजन आपको मिल जाता है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है पूरा का पूरा जो अपनी मैक्सिमम पावर 45 एचपी निकाल के देता है 1900 रेटेड आरपीएम पे। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके सीसी के बारे में, आपको इसमें 2500 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है देखने के लिए। आपको यहाँ पे डबल पंप दे रखे हैं, पावर स्टीयरिंग का पंप अलग से, इलेक्ट्रोमैटिक का पंप अलग से, दोनों या जॉइंट पंप दे रखे हैं। इनकी दोस्तों एक खास बात क्या होती है कि इनमें दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है, एक पंप अगर खराब हो जाता है दूसरे खराब होने की टेंशन रहता है, लेकिन बीच में जो गैप रहता है उससे हमारे एक पंप अगर खराब होती है दूसरा हमारा सेफ बच जाता है। अल्टरनेटर यहाँ पर दे रखा है, गार्ड के साथ लगा हुआ है और हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पर आपको दे रखा है। बैटरी जो है रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आईसर की ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसके टायर साइज के बारे में तो इसमें आगे के टायर्स हैं वो 6-16 के आपको देखने को मिल जाते हैं और पीछे के जो टायर्स हैं वो 14 और 28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। वही आपको काफ़ी चौड़े फेंडर आपको दे रखे हैं। टूलबॉक्स के साथ में काफ़ी छोटे डिपर्स आगे के आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और अगर बात करें इसके प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म भी जो है पहले से काफ़ी जो है चौड़ा कर दिया गया आगे के लिए इसका। बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में तो जो ब्रेक्स इसमें हैं वो तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इधर से अगर आप देखोगे तो वही सेम आपको आईसर 480 फाइव स्टार की ब्रांडिंग आपको दे रखी है। और जो साइलेंसर आपको दे रखा है वो आपको राउंड शेप में यानी गोल शेप में आपको दे रखा है, हीट गार्ड के साथ में, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और पावर स्टीयरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है, सिंगल सिलेंडर और डुअल एटिंग है। बाकी में आपने नीचे देखा था लेकिन इसमें जो ऊपर इसको लगाया गया है। यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है पूरा का पूरा बोस कंपनी के साथ में, इनलाइन फ्यूल पंप पे, डबल डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर, पूरा सेटअप आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें इसके यहाँ पे सिंगल स्टेप आपको चढ़ने के लिए दे रखा है, बहुत ही इजीली आप इस पे पैर रख करके ड्राइवर सीट तक पहुँच सकते हैं। तो एक बार आपको ड्राइवर सीट पर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इजीली ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल आपको ड्राइवर सीट आपको देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अगर ऊपर से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर का। बात करें इसके डैशबोर्ड के बारे में तो पूरा जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारे जो आपके इंडिकेशन है वो डिजिटली और एनालॉग दोनों में आपको शो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शेप में ये आपको यहाँ पर टाइम भी शो कर रहा है और आरपीएम भी शो कर रहा है, ठीक है। कितने घंटे ट्रैक्टर आपका चला हुआ वो भी यहाँ पर शो कर रहा है आईसर की ब्रांडिंग के साथ में। फ्यूल मीटर और ट्रैक्टर का टेम्परेचर, इंजन ऑयल का प्रेशर, बैटरी की हेल्थ, सारी की सारी इंडिकेशन आपको ऐसे इसमें देखने को मिल जाती है। बात करें इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में तो जो पावर स्टीयरिंग है वो इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है आईसर की ब्रांडिंग के साथ में। और यहाँ पे रोटेटिंग नोब भी आपको दे रखा है जिसकी मदद से आप ट्रैक्टर को बहुत ही कम जगह में कहीं पे भी घुमा सकते हैं। यहाँ पे हॉर्न भी इसमें आपको दे रखा है जिसकी जो हॉर्न है आपको नीचे बार बार हाथ नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से अपने हॉर्न को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेस का लीवर आपको दे रखा है, यहाँ पे पार्किंग लाइट और सिग्नेचर लाइट, स्टॉपर और जो लिड है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है। उस तरीके से पूरा यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं, विटर्न इंडिकेटर हॉर्न के साथ में सारी चीज़ सारी इसमें, यहाँ से भी हॉर्न को ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसमें यहाँ से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अलग से पॉइंट दे रखा है तो दो जगह से हॉर्न आप प्रेस कर सकते हैं। बात करें इसके लेफ्ट साइड में क्या कुछ मिलता है तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी लीवर आपको दे रखा है लो हाई के साथ में, ये आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको दे रखा है जिसमें रख करके अपने मोबाइल को इजीली चार्ज कर सकते हैं, गिरने का कोई भी टेंशन इसमें नहीं है। और दोस्तों इसमें आपको पीटीओ का लीवर इसमें दे रखा है, क्वाड्रा पीटीओ इसमें मिल जाती है जो 540 चक्कर पीटीओ होते हैं 1788 रेटेड आरपीएम पे, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बात करें इसके क्लच के बारे में तो डुअल क्लच में आपको मिलता है,
इसी वाले क्लच से आपका गियर और इसी वाले क्लच से आपका पीटीओ ऑपरेट हो जाता है, जो कि काफ़ी इजीली आप इजीली कर सकते हैं। बात करें इसकी राइट साइड में जो ब्रेक्स आपको मिलते हैं वो तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और जो सेकेंडरी गियर जो मेन गियर लीवर आपको देखा वो यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का पार्शियल कॉन्स्टेंट मेस का गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको दे रखे हैं, जिनसे आप अपनी जो पीछे की इंप्लीमेंट है उसको आप पूरा सेट कर सकते हैं, कितने हाइट पर चलाना है, कैसे चलाना है, पूरा आप इसको आप सेट कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में। तो पीछे से अगर आप देखोगे तो 480 का जो व्यू है वो सभी आयसर के मॉडल्स की तरह आपको इसमें भी काफ़ी चौड़े मडगार्ड के साथ में, काफ़ी बड़े डिपर्स के साथ में इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको 1650 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 17 क्विंटल वजन ये उठा सकता है अपने लेफ्ट के मदद से। उसके बाद बात करें इसके पीटीओ के बारे में, तो इसमें आपको 40 HP का पीटीओ आपको मिल जाता है, 40 HP तक का कोई भी इंप्लीमेंट अपने पीटीओ पे आप चला सकते हैं। ये जैक सिस्टम दे रखा है, इससे आप अपने लिंकेज को, काफ़ी तगड़े पट्टे हैं, इनको अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहें वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको निकाल करके बड़ी आसानी से। और 3-point sensing के साथ में टॉपलिंग होल्डर आपको यहाँ पे, रिफ्लेक्टर, पानी की बोतल यहाँ पे रख सकते हैं 2 लीटर की, तो पूरा सेटअप आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। वर्किंग लाइट यहाँ पे आपको दे रखी है, जिसको आप जैसे चाहें वैसे आप इसको ऐसे ये ऐसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आयसर 480 प्राइमा Z3 का पूरा वीडियो, 5-star मॉडल था। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस ट्रैक्टर के बारे में कोई भी आपका सवाल फिर भी रह गया तो हमें कमेंट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे सोबित ऑटोमोबाइल सैजवान में आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इनका नंबर जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनसे बात करके इस ट्रैक्टर के बारे में या फिर आयसर का कोई भी मॉडल आपको चाहिए उसकी पूरी जानकारी आप डिटेल में ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।